नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 21 सितंबर है। साल के 9वें महीने का ये 21वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। मिहिर सेन भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। उन्होंने पनामा नहर की एक छोर से दूसरे छोर तक 77 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार की थी। मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे। उन्होंने सॉल्ट वाटर तैराकी में अनोखी दक्षता हासिल करके 5 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए थे। मिहिर सेन ने आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1966 को बॉस्फोरस की खाड़ी को पार करके एक और कीर्तिमान अपने नाम किया था। माल्टा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक विकसित द्वीप देश है। इसकी राजधानी वलेता है। इसकी मुख्य और राजभाषाएं माल्टाई भाषा और अंग्रेजी भाषा है। 1904 ईस्वी को माल्टा द्वीप इस्लामी क्षेत्रों में शामिल हो गया था। साल 1091 ईस्वी तक इस द्वीप पर मुसलमानों का शासन रहा। माल्टा कई छोटे द्वीपों पर आधारित है। माल्टा ने आज ही के दिन यानी 21 सितंबर साल 1964 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। करीना कपूर बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री हैं। अपने अभिनय से ये हर किरदार को बड़ी जीवंतता के साथ निभाती हैं। इन्होंने कॉमेडी, रोमांटिक, क्राइम और ड्रामा सभी तरह के किरदार निभाए हैं। करीना कपूर बॉलीवुड के बड़े परिवार कपूर खानदान में जन्म लेने के बावजूद भी अपनी मेहनत और अभिनय क्षमता की वजह से बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाई हैं। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। करीना कपूर का जन्म आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1980 को हुआ था। वॉल्टर स्कॉट स्कॉटिश ऐतिहासिक उपन्यासकार, कवि, नाटककार और इतिहासकार थे। उनकी कई रचनाएं अंग्रेजी भाषा और स्कॉटिश साहित्य दोनों में क्लासिक है। स्कॉट अंग्रेजी भाषा के प्रथम साहित्यकार थे जिन्हें अपने जीवन काल में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई थी। वाल्टर स्कॉट का निधन आज ही के दिन 21 सितंबर साल 1832 को हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।